गुड इवनिंग बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा गया है? दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, ठीक है। फिर कहा गया है सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु। तो देखिए, हमने ए बी का मध्य बिंदु पी रखा, बी सी का मध्य बिंदु क्यू रखा, और सी डी का मध्य बिंदु आर रखा, और डी ए का मध्य बिंदु एस रखा, ठीक है। फिर कहा गया है मिलाने वाले रेखाखंड। तो देखिए, इनको मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाले कौन? रेखाखंड। तो देखिए, हमने P को Q से मिलाया, Q को R से मिलाया, R को S से मिलाया, S को P से मिलाया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है रेखाखंड जो है परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो हैं कौन, ये जो रेखाखंड हैं, ये आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, ठीक है। और जैसे हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं, हमको पता है कि इसके जो विकर्ण होंगे, ये क्या है? विकर्ण ही हैं। किसके? पी क्यू आर एस के जो विकर्ण होंगे, मतलब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है, तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? समद्विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बिंदु ओ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बिंदु ओ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम दिया है नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिया है में हमें फिर पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ओ आर और ओ पी ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ओ आर बराबर ओ पी और ओ एस बराबर ओ क्यू, ठीक है। ओ एस बराबर ओ क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर रचना लिखेंगे। रचना क्या लिखेंगे? रचना कि हमने P को Q से मिलाया, Q को R को R से, और R को S से, S को P से मिलाया, ठीक है। इसी बात को हम लिखेंगे P को Q से, P को Q से, या ऐसा लिख देते हैं शॉर्टकट में, क्या लिखेंगे? P Q Q R आर एस एस पी को आपस में मिलाया, ठीक है। आपस में मिलाया। अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे सिद्ध। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए, अच्छा, यहां पर हमने एक बात और कहना है, हम लिखना भूल गए। हमने एसी एक विकर्ण भी खींचा है, ठीक है। लिखेंगे एसी विकर्ण खींचा, एसी विकर्ण खींचा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एसी विकर्ण के नीचे साइड में आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज के नीचे साइड का या ऊपर साइड का, दोनों कोई भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमें त्रिभुज लेना है, तो लिखेंगे सिद्ध त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी में क्या है? ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। इस बात को हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी तथा BC का मध्य बिंदु क्यों है? BC का मध्य बिंदु क्यों है? और आपको पता है, जब कभी त्रिभुज, एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिल जाते हैं, और मध्य बिंदु से खींचा गया जो रेखाखंड होगा, वो AC के क्या हो जाता है? समांतर हो जाएगा।
और उसके क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसी बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PQ समांतर AC और PQ बराबर होगा 1/2 AC। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण एक। तो अब अगला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में, अब इसमें क्या है, देखिए CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। इसी बात को फिर लिख देते हैं, CD का मध्य बिंदु R तथा DA का मध्य बिंदु S है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी, यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो चलिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो SR है वो AC के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो SR समांतर AC और क्या होगा, और ये हो जाएगा जो SR है वो 1/2 हो जाएगा AC के, मतलब कि AC के आधे के बराबर होगा। इसे हम समीकरण दो लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना। अब देखिए समीकरण एक व समीकरण दो से, आप लोग यहाँ पर देखिए AC समांतर है PQ के, AC समांतर SR के, मतलब कि PQ SR AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि PQ भी समांतर होगा किसके, SR के। और देखिए आगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 AC 1/2 AC, मतलब कि ये दोनों राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो PQ बराबर SR। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो PQ है वो SR के समांतर भी हो गया, जो PQ है SR के बराबर भी हो गया। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक युग्म क्या है, एक युग्म अगर बराबर और समांतर होता है तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो इसी बात को हम लिख देंगे, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओ आर देखिए क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर हो जाएगा OP। ठीक है, और उस OS बराबर हो जाएगा OQ, क्या हो जाएगा OQ। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आया हो तो बीच बीच में वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास
शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रश्न नंबर 7 में, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कहा गया है दर्शाइए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास तीन पार्टों में क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम चित्र को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। देखिए हमने कोण सी को क्या बना दिया है, समकोण। समकोण का मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और कहा गया है कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर, बी सी के समांतर रेखा खींची गई है ए सी को, ए सी को डी पर प्रतिच्छेद कर दी है। कौन रेखा, जो रेखा है ए सी को, ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, अब दर्शाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, लिखेंगे दिया है। अब दिया है देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी, शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, समकोण मतलब 19 डिग्री है, और कर्ण, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एम, ए बी का मध्य बिंदु एम है। ठीक है, और क्या है, और ये है कि बी सी के समांतर एम डी एक रेखा खींची गई। ठीक है, लिखेंगे बी सी के समांतर, बी सी के समांतर, बी सी के समांतर एम डी, एम डी रेखा खींची। ठीक है, ठीक है, रेखा खींची। अब हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर सिद्ध करना है ये नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, ये तीन पार्टों में है। ठीक है, सब हम सीधे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सिद्ध, मतलब कि सीधे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। कौन, जो डी है भुजा ए सी का मध्य बिंदु, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एम है। तो लिखेंगे ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु एम है। ठीक है, और हमने आपको बताया था जब किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा का अगर मध्य बिंदु मिल जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लगा देते हैं। कहने का मतलब है जो बी सी है या जो एम डी है वो बी सी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लिखेंगे एम डी समांतर बी सी, और क्या हो जाएगा, एम डी बराबर होगा 1/2 बी सी के। ठीक है, बल्कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि अगर बी सी के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, अब कोई एक मध्य बिंदु रेखा खींची जाए तो ये दूसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटती है। ठीक है, कौन, जो बी सी के समांतर रेखा खींची गई। कहने का मतलब है आता ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी है। ठीक है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया पहला नंबर। अब दूसरा देखिए, दूसरा और भी आसान है, मात्र एक लाइन का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो सिद्ध कर लिया, मतलब ये तो हमें पता है कि जो एम है, मतलब जो बी सी है वो एम डी के समांतर है या एम डी बी सी के समांतर है। ठीक है, तो दूसरा में देखिए हमें सिद्ध क्या करना है,
एम डी लंब है एसी पर, जो एम डी है वो एसी पर क्या है, लंब है। कहने का मतलब यहाँ पर भी ये 19 डिग्री कोण बना रहा और यहाँ पर भी, मतलब कि दोनों तरफ 19 डिग्री कोण ही बनता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए लिखते हैं सिद्ध। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एम डी है, एम डी वो समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। बी सी के क्या है, समांतर है। तो हमने आपको एक बताई थी कि जब कभी दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा या सीधी रेखा खींचते हैं तो ये वाले कोण कौन से, ये कोण जिनका मुंह ऊपर की एक ही साइड में खुला हो वो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले कोण भी संगत कोण होंगे, ठीक है, लेकिन हमें जरूरत केवल इन दोनों कोणों की है। तो देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, जो कोण सी है, कौन सा, जो कोण सी है उसका मुख इधर की ओर है, जो कोण डी है उसका मुख इधर की ओर है, ठीक। कहने का मतलब हमारा ये वाले कोण, ये वाले इधर वाले कोण जो हैं ऐसे कोण दिख रहा है, ठीक है, एक ही साइड कोण बना है। तो इसको लिखेंगे कोण सी बराबर कोण डी, और कोण सी कितना है, 19 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख देंगे, संगत कोण, संगत कोण। तो देखिए हम यही सिद्ध करना था, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः एम डी बी सी, एम डी ए सी के समांतर है, ठीक है, एम डी ए सी के समांतर नहीं, सॉरी ए सी के लंब है, ठीक है, एम डी ए सी पर लंब है, लंब है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एम डी लंब किस पर, ए सी, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पर कहा गया है सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2, ठीक है। तो हमें क्या करना होगी, यहाँ पर एक थोड़ी रचना करनी होगी, क्या रचना करनी होगी, एम को सी से मिलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रचना एम को सी से मिलाया, सी से मिलाया, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इन दो त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो दोनों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए सी एम एम ए हमें इन्हीं दोनों भुजाओं को बराबर भी करना है, ठीक है। और ये वाली भुजा कौन सी, एम बी और एम ए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि जब मध्य बिंदु है तो ये मध्य बिंदु जो होता है उस रेखा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। और हमें एक बात है, ये बात हमें और सिद्ध करनी है, चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए एम डी, ए एम डी व त्रिभुज बी सी एम, बी सी एम में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। इसे हम मिट देते हैं, इसे हमें जरूरत नहीं है, बस इन्हें हम क्या कर देते हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं मतलब कि दोनों को आपस में तीनों को बराबर कर पाएंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में आपको एक कोण तो क्या हो गया, आपको जो है एक भुजा बराबर मिल रही, कौन सी, ये भुजा, ये वाली, ये भुजा यानी एम डी। लिखेंगे एम डी बराबर एम डी, क्यों बराबर है, क्योंकि जब हम इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो एम डी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और आपको पता है दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें केवल तीन भाग की, मतलब तीन
अवयव की जरूरत पड़ती है, अगर तीन अवयव हम बराबर दिखा लेते हैं तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तो हमें सिद्ध करना है, तो देखिए यहाँ पर कोण, ये दोनों कोण बराबर दिख रहे हैं, तो लिखेंगे सी डी एम। ठीक है, कोण सी डी एम बराबर कोण ए डी एम, ए डी एम कितना है 19 डिग्री। अच्छा क्यों बराबर आया, तो लिख देंगे प्रत्येक कोण 19 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक कोण 19 डिग्री है। एक बात हम और लिख सकते थे, क्योंकि जो एम डी है वो ए सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब रह जाती है एक बात, क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कौन सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कहाँ पर, ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर, डी पर। और हमने सिद्ध किया है कि कौन सा, जो डी है बिंदु डी, ये ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ए डी, ए डी बराबर सी डी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, लिखेंगे सिद्ध किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने किस सर्वांग समता का इस्तेमाल करना है कि हमें इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें। ठीक है, तो देखिए किस नियम का इस्तेमाल करना है, कोण, देखिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा, हमने किसका इस्तेमाल किया, भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम ए एम डी, त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज त्रिभुज कौन सा लिया गया है, सी डी एम, बी सी डी कौन सा है, बी सी, हमने बी सी डी कैसे ले लिया, हमें इस त्रिभुज को लेना था, सॉरी सी डी एम को। ठीक है, यहाँ पर सुधार लेना, क्या करना है, सी डी एम, सी डी एम। ठीक है बच्चों, चलिए लिख देते हैं सी डी एम, क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब इसके जो संगत भुजाएं हैं, देखिए जैसे ए एम डी की संगत कौन सी है, ए एम, और इसकी संगत भुजा कौन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, सी एम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे सी एम, सी एम बराबर एम ए, क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। ठीक है, अब सी पी सी टी क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में लिखा। अब एक बात यहाँ से और जानिए, क्या जानना है, जो ए बी है उसको ये दो बराबर भागों में बटे हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो बी एम है और जो एम ए है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो अगर हम ए एम को लिखना चाहें किसके, ए बी को, ए बी के बराबर, तो हम कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं एम ए बराबर एक बटे दो ए बी, ये तो लिख सकते हैं। ए बी के अगर आप आधे भाग को लिखना चाहें तो ए एम बराबर हम क्या लिखेंगे, एक बटे दो ए बी। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, समीकरण एक मान देते हैं, इसे समीकरण दो मान देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक व समीकरण दो से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी एम एम ए के बराबर है, एम ए एक बटे दो ए बी के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं सी एम बराबर एम, ये यहाँ पर लिख गया ए है। ठीक है, एम ए बराबर एक बटे दो ए बी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया, सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं
ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और आज की वीडियो का और आपके प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कल से हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 9.1, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुंचती रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।